फाइनली दोस्तों, साउथ की बिगेस्ट मूवी एंड मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है डॉन। और आप इस मूवी के नाम को सुनकर सोच रहे होंगे कि इस मूवी के अंदर हमें गैंगस्टर टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगी और कोई बहुत बड़ा डॉन देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है और इस मूवी के अंदर हमें जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलेगी। वही अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो आज के दिन इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद इस मूवी की स्टोरी भी कंफर्म हो चुकी है कि इस मूवी की कहानी कॉलेज लाइफ पर आधारित होगी। और सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन इस मूवी के अंदर हमें एक स्टूडेंट के किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मूवी का नाम डॉन क्यों रखा गया है, इस मूवी का डॉन नाम से क्या कनेक्शन है, ये तो पूरी मूवी देखने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। वहीं अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ की एक बहुत ही बड़ी मूवी हिंदी डब्ड में रिलीज होने जा रही है, जिसको आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। तो ये मूवी कौन सी है और आपको किस चैनल पर देखने को मिलेगी, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉन एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जिसके लीड रोल में आप शिवा कार्तिकेयन और प्रियंका मोहन जैसे सुपरस्टार को देख पाओगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे लड़के पर जो कि शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उस कॉलेज के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको वो सुधारना चाहता है, जिसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इस मूवी का नाम क्या होना चाहिए था और इस मूवी का नाम डॉन रखना सही है या फिर कितना गलत है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, डॉन मूवी 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। और अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की, जो कि हिंदी डब्ड में रिलीज होने जा रही है, जिसको आप अपने मोबाइल में देख सकते हो, तो साउथ की मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है RRR। और अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है और अभी देखना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर Z5 ऐप पर रिलीज होने जा रही है। खबरों की माने तो ये मूवी आपको Z5 ऐप पर 20 मई को देखने को मिल सकती है।